मुझे पता है तुम नहीं चाहती कि मैं बीच में पढ़ूं, लेकिन मुझे तुमसे ये पूछना पड़ेगा, तुम सच में क्या उस केनान पर दोबारा भरोसा करने जा रही हो? मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम उसके साथ नई शुरुआत करना चाहती हो? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये खेल खत्म हो जाए। एशली, मैं अपनी पुरानी जिंदगी जीना चाहती हूँ, बिना किसी झूठ और फरेब के। तुम आ गए रफत? जी आ गया मैडम, और आपके कहने के मुताबिक 3 जानवर भी लेकर आ गया हूँ। ज़िबा करना है तो अभी शुरू करूँ क्या? नहीं नहीं रुको, अभी थोड़ा सबर करो। अरे ये सब क्या है? मन्नत है, ये मन्नत। शिवान की आंख से पर्दा हटाने के लिए मन्नत ली है मैंने। अल्लाह मेरी मुराद को पूरी कर दे, इंशाल्लाह इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे लगा कि ये दिन मन्नत के लिए सही रहेगा। या अल्लाह मेरी बीवी को थोड़ी अकल दे बेगम, मैं क्या कहूँ क्या करूँ मैं। या अल्लाह। फैसला कर लिया तुमने? हाँ कर लिया। नाजली को भी फोन कर दिया, वो भी आ रही है। अब जो होने वाला है उसे होने दो, हर चीज को होने दो। अब तहसीन साहब क्या कहेंगे, मैं तो बस वो सोच रहा हूँ, नाजली से शादीशुदा होने के बावजूद शिमाल से शादी करने पर या तुम्हारे इस खेले हुए खेल पर। मुझे कुछ नहीं पता यार, अब जो भी होगा झूठ नहीं होगा वो। बाबा बाबा मैं कसम खाता हूँ, मुझे नाजली के बारे में कुछ नहीं पता। ये नाजली पक्का मेरी तलाक का सुन के यहाँ आई थी। तलाक का सुन के आई थी वो? या अल्लाह, अब उसको कैसे पता चल गया कि तुम लोगों की तलाक हो रही है और तुम लोग अलग हो रहे हो? नहीं मुझे नहीं पता, वो तलाक का सुन के यहाँ आई होगी। उसने यही सोचा होगा ना कि शिवान की तलाक हो रही है, वो अकेला होगा, उसे हासिल कर लो। हर कोई चाहेगा, लड़का ही इतना अच्छा है, लेकिन इस तरह ही सब कुछ हो जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था, छोड़ना नहीं चाहती, किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती। बाबा जान आप तो जानते हैं मैंने आपसे बात की थी, मैंने उससे कहा कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन क्या करूं समझ ही नहीं रही, किसी भी कीमत पे नहीं। अब देखें मुझे लगता है वो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि मैंने उससे शादी नहीं की। जान ये लो, ये पियो, इसे पियो, थोड़ा पियो, जबरदस्त जबरदस्त। देखो जान, जैसा मैंने कहा था वैसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारा हूँ। हर चीज वैसे ही हो रही है जैसे तुम चाहती थी, तुमने कहा हम इंतजार नहीं करेंगे, वैसे ही है, हम एग्जैक्टली वही हैं, कुछ भी नहीं बदला मेरी जान, कुछ भी नहीं, यकीन करो मेरा। नहीं, क्या तुम्हारा तलाक हुआ? तुमने कहा कि तुम्हारा तलाक हो रहा है लड़की को। अरे क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए जान। मुझे जान मत कहो, मुझे जान डार्लिंग कुछ मत कहो। तुम तो अपने घर वालों को बताने वाले थे, ये खेल खत्म करने वाले थे, तुमने ऐसा कहा था या नहीं? कहा था ये पूछो क्यों नहीं हुआ, उस लड़की ने तलाक से इनकार कर दिया यार, मैं क्या करता? मतलब जिद करने लगी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, सब लोग वहीं थे, बाबा भी वहीं थे, क्या करता मैं? नहीं नहीं मुझे तलाक चाहिए ये कहता मैं। मुझे भी अपनी जान की परवाह है, अगर तलाक हो जाती तो मैं भी बच जाता इससे। अब तुमसे क्या झूठ बोलूं, इस खेल को जारी रखने में खुश हूं मैं, वरना अपने बाबा की नजरों से गिरकर नहीं उठ सकता था मैं, पर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने उससे कहा मैं शादीशुदा हूं, सब खत्म हो गया, मेरी एक सीधी सादी लाइफ है, पर नहीं, उसने तो शोर मचा दिया, वो लड़की मेरी एक नहीं सुन रही। मैं उस लड़की का जुनून बन गया हूं बाबा, जुनून बन गया हूं मैं उस लड़की का, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही वो। आप फिक्र ना करें, मुझ पे भरोसा रखें, मैं उस लड़की से पीछा छुड़ा लूंगा। जाने मन मेरी जान, मेरी जान हो तो सबर करो, थोड़ा थोड़ा सा और, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सबर करो, मैं ठीक कर दूंगा, हर चीज ठीक कर दूंगा तुम्हारे लिए। देखो बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद तलाक की बात करना तो ठीक नहीं होगा ना, बच्चों का खेल थोड़ी है कि अभी रूठे अभी मान गए, इसलिए थोड़े अरसे के लिए इस खेल को हमें जारी रखना होगा। अगर मैं कहूं कि मैंने तुम पर भरोसा कर लिया तो ये सरासर एक झूठ होगा।
अब मेरे जहन में ये आ रहा है कि और क्या क्या हो सकता है। मैं खुद से कह रहा हूँ नहीं, 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 नहीं। तुम्हारा नालायक बेटा और इतना जलील होके गिर कैसे सकता है? लेकिन अगर वो इतना गिर गया है और मैंने उसे पकड़ लिया है तो मैं उसको नहीं बख्शूंगा शिवान। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? बाबा क्या आप मुझे नहीं जानते? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब से मेरी नजर सिर्फ तुम पर होगी शिवान, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना तुम, समझे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जान। अल्लाह का शुक्र है लोगों को तुम्हारी बेहूदगी का नहीं पता चला और हम बच गए। क्या मैं इसी डर में जीता रहूं कि तुम मुझे अब कब जलील करोगे शिवान? हैं? बोलो बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारा क्या करूं मेरे अकलमंद बच्चे? क्या करूं तुम्हारा मेरे अकलमंद बच्चे? वाह! मजा आ गया, मजा आ गया। क्या कहूँ मैं तुमसे, क्या कहूँ मेरे अकलमंद बच्चे, मैं तुमसे क्या कहूँ? बाबा जान आप नाराज हैं क्या? बैठ जाओ बेटा, तुम भी बैठ जाओ। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे जरा गौर से सुनो। पहली बात तो यह कि तुम अब ऐसा कभी नहीं करोगी, और फिर से अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें तकलीफ दे तो मुझे बताओगी। बाबा 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 छोड़ दो, ये बताओ ठीक है या नहीं? ठीक है, माफ कर दिया, नाराज थे मुझसे। अरे मेरी बेटी, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? और ये कोई नाराज होने वाली बात भी नहीं है। बस मैं तुम्हारे शौहर से नाराज हूँ, उसे मैं इतने जल्दी माफ नहीं करूंगा। उसे माफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या करूं, दामाद आखिर माफ तो करना पड़ेगा। बाबा इसे माफ कर दिया ना? नहीं, अभी मैंने इसे माफ नहीं किया, बस मैंने इसे घर में आने की इजाजत दी है। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। मैं एक एक रियल एस्टेट वाले के पास से होकर आ गया। जो जो घर आपको पसंद थे मैंने उन तमाम घरों की एक लिस्ट बना ली है। मैंने तुम्हें लिस्ट बनाने के लिए नहीं कहा था, देख कर भी आयो या नहीं? आपके लिए मैंने सबको एक एक करके देखा है बाबा। बाबा नहीं कहा मुझे। ठीक है बाबा जान। ओ बाबा कैसा रियल एस्टेट एजेंट? देखो बेटा, अब हमें इसी शहर में ही गुजारा करना है तो यहाँ पर हमें एक घर तो लेना होगा, वरना इतने छोटे से घर में गुजारा करना मुश्किल होगा, है कि नहीं? एशली, ऐसा करो कि मकान मालिक को बता दो कि हम जा रहे हैं यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो वो परेशान हो जाए। बेटी तुम क्या देख रही हो, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखो, अगर मगर मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। बेटी मैंने तुमसे कहा था ना, तुम हमारी बेटी की तरह हो, जहाँ हम जाएंगे तुम हमारे साथ वहीं रहोगी। बस अब बहस खत्म हो गई, मैंने जो कहा है वही होगा। मैं रो दूंगी। अभी मत रोना, जब शिफ्ट हो जाए तब रो लेना, जाओ तैयारी करो, ठीक है? अरे 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 क्या करे बेटा, आराम से आराम से। बस अब खुश हो जाओ, इस घर में अब से 5 फर्द हैं, असल में 4.5 फर्द हैं। तुम अभी खुश मत हो क्योंकि तुम अभी हमारे घर के आधे फर्द हो। ला 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 ला